देखी बड़े बड़े बाजे लेके बच्चे घूमने चेंज होने की वजह से बाजे आप सुन रहे होंगे शोर शराब बहुत है। और हमने तो आज थोड़ा सा स्वीटी क्या बताएं कुछ देर बात फोन कर लो जब मैं फ्री हो गया तुम्हारे पास ही आ जाऊँ क्या कहती है। रेनू ने कुछ जगह लगाई और रेनू आज स्कूल तो गई। हाँ जी आज जी रेनू के स्कूल में था 14 अगस्त का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त बच्चों में जाहिर है ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए स्कूलों में ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए और बच्चों को होता है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और बच्चे आगे बढ़ने का उनके अंदर जज्बा पैदा होता है तो बहुत अच्छा था। बाहर इतना शोर है जिस सुबह से मुझे लगता है पूरा साल पाकिस्तान सो रहा है सोया रहता है और 14 अगस्त वाले दिन जाग जाते हैं तो और हम लोग जी बहुत ही पुराना ड्रामा देख रहे हैं इश्क ममनू। आज मैंने फिर से लगाया है जी इश्क ममनू और ये मुझे ड्रामा बहुत पसंद था। इसमें बहलूल और बीतर मेरे फेवरेट थे तो इनकी वजह से मेरा दिल कर रहा था कि मैं दोबारा देखूं ड्रामा तो आज मैंने लगाया है फर्स्ट एपिसोड इसका। मैंने बोला चले जी आज मैं फिर से मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी और देखूंगी। और मैं रेनू के लिए बना रही हूँ स्पैगेटी लेकिन गैस हमारी बहुत कम है तो उस दिन भी मैंने मैक्रोनी बनाए गैस बहुत कम था तो वो सारे चिपक 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 रहे थे चिपक 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 रहे थे तो वो सही नहीं बने मतलब सही बने थे टेस्ट भी इनका सही था लेकिन वो दांतों को ज़्यादा चिपक रहे थे क्योंकि गैस कम था तो इस वजह से वो सही नहीं बन रहे थे। तो अभी भी गैस बिल्कुल कम आ रहा है मसाला तो मैंने तैयार कर लिया है लेकिन स्पैगेटी बॉयल करने वाले हैं तो इस वजह से मैं नहीं कर रही क्योंकि गैस तेज़ होगा तो फिर मैं करूँगी। तो अभी तो बस जी यही है कि बस घर का काम वगैरह है और आज हमारे मेहमानों ने आना था लेकिन वो भी नहीं आए तो कह रहे थे कि आज छुट्टी है तो हम आएंगे तो हमने बोला चले जी सही है मोस्ट वेलकम आप आओ जब आपका दिल करे। और ये देखे जी मेरी फेवरेट एक्टर हाय बहलूल ये बीतर है और इन्नी दूरों भी नज़र आ रहा है वेखन वाले भी नज़र आ जाता मैं ये है जी पीतर और बहलू। तो बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था जी जब ये स्टार्ट हुआ था तो चलें जी अशरफ अभी लग गए हैं कुछ काम पे चलो अशरफ आपने स्टार्ट की थी चलो बात करो। बात आज खुशी की बात है कि मेरी दाढ़ बहुत हिलती थी दर्द होती थी 6 महीने से मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा था मुझे डर लगता था और मैंने एक टोटका किया मेरे दोस्त ने बताया मैं जिन टॉनिक देना वो थोड़ा थोड़ा मलते रहे तो वो मैं मलता रहा 3-4 दिन चौथे दिन बिल्कुल ऐसे खींचे और निकल गई बिल्कुल एंड की दाढ़। और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी दाढ़ हिल रही है तो यही कुलिया इस्तेमाल करें ग्रीन टॉनिंग को 3-4 दफ़ा दिन में लगाएं और बढ़ते रहें और क्योंकि ये मांस छोड़ देता और लगा रहता है जहाँ तो फिर दर्द भी नहीं हुआ और निकल गया था और जड़ से जितना ऊपर है दांत उससे ज़्यादा नीचे दांत था वो बिल्कुल एंड वाला। तो मैं आज बहुत खुश हूँ नहीं तो मैं 6 महीने से खाना
اتنا چبا کے نہیں کھا پا رہا تھا, تو آج میں آزاد ہوں, بالکل میرا منہ بالکل آزاد لگ رہا ہے. ان کا بہت شکریہ. جہاں بھی رہے پاکستان میں 14 اگست بہت پیار محبت اور جذبے کے ساتھ منائے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی رہے اور پاکستان ترقی کرے. اور خاص طور پر میں اپنی ویڈیو کے اندر رہائی کی سوچ ایک کالج بنائے والوں نے بنایا ہے, اور بہت اچھا بنایا ہے. جو غریب لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں, بچے پڑھتے ہیں وہاں, ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی, اور وہ انگلش کا کورس کرواتے ہیں اور ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ اپنے گھر کا اور اپنے ملک کے لیے ترقی کا باعث بنے. گاڈ بلیس یو کرسٹو, مجھے تو نام اس کا بہت مشکل ہے, اور رہائی کالج ٹیکنالوجی ایسے ہی ہے کچھ نام. اور میں اپنے اس بھائی کو جس نے جو یہ تن چلا رہا ہے, جو ان کا ہیڈ ہے, ان کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں, اور پورے پاکستان کو دلی طور پر 14 اگست کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. لائٹ چلی گئی ہمارے یہاں, اور ابھی دیکھیں یہ کمرے میں بالکل اندھیرا ہو گیا, اور یہ دیکھیں گے پاکستان زندہ باد. خدا حافظ. بائے بائے کرو. بائے بائے شنیلا. خدا حافظ.